हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समाज एनसीईआरटी। देखो, आज की क्लास में कवर करेंगे हम आपका एचसीएफ और एलसीएम। बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और एग्जाम्स में क्या होता है आजकल कि आपके काफ़ी क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं इस टॉपिक से, एचसीएफ और एलसीएम से, तो हम तवज्जो उनको ही देंगे। ओके, सबसे पहले बेसिक्स कवर करते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है कि दो नंबर है हमारे पास 6 और 15। 6 के हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, 15 का हमने फैक्टराइजेशन कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 3 और 3 × 5, दोनों प्राइम है, दो भी प्राइम है, तीन भी प्राइम है, पांच भी प्राइम है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको नंबर को तब तक तोड़ना है जब तक वो प्राइम ना बन जाए। तो यू कैन सी इसमें ये 3 6 में भी है, 15 में भी है, तो 3 ये 6 का और 15 का कॉमन फैक्टर हो गया। ओके, तो आपको पता लग गया कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। अब ये अगर जब ये कॉमन फैक्टर हाईएस्ट हो, हाईएस्ट, ओके, वो हो जाएगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए एचसीएफ समझाते हैं आपको एग्जांपल लेके। एक 18 नंबर है हमारे पास और एक 24 है। ओके, 18 को आप तब तक तोड़ते जाओ जब तक सारे जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम ना हो जाए। तो 2 × 3 × 3, 2 × 3 = 18, ऐसे ही आप 24 के साथ करो, 2 × 4 × 8 × 24, सॉरी। ओके, तो आप देख सकते हो इसमें कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं। 2 है ये, और कौन सा कॉमन है, और आपका 3 है, ये भी कॉमन है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, फैक्टर तो हो लेकिन वो हाईएस्ट हो, तो हाईएस्ट तो तब आएगा ना जब जो कॉमन है उनको आप गुना कर दो। 2 × 3 = 6, ये आपका इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हो गया। ओके, अब आप गौर से देखो, जो आपका 6 आया है, 6 वो 18 को भी डिवाइड कर रहा है पूरी तरह, 24 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। ओके, तो जो डेफिनेशन में जो आपका एचसीएफ होगा वो हाईएस्ट पॉसिबल कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर क्या है, 6 दोनों में, 2 और 3, 2 × 3 = 6 हो गया, हाईएस्ट होगा वो, हाईएस्ट जो दोनों संख्याओं को गुना करेगा और कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट में आप देख सकते हो एचसीएफ निकालना आपका 84 और 126 का। आप फैक्टराइजेशन कर लो सबसे पहले, 84 2 × 4 = 12, 12 × 7 = 84, और 126 का 2 × 3 × 3 × 7 = 26, 6 × 18 = 18, 18 × 7 = 126। ओके, यू कैन सी आप में एक तो ये कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया आपका, इसमें आपका 7 भी कॉमन है एक और ये कॉमन हो गया। अब आप तीनों को ले लो नीचे कॉमन को जितने भी है, 2 × 3 = 6, 7 × 42, आप देख सकते हो ये 42 84 को भी काट रहा है, 84 / 42 टू टाइम्स काट रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0, और ये 126 को भी काट रहा है कितनी बार, 3 बार, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। मतलब 42 से बड़ी और कोई संख्या नहीं होगी जो इन दोनों को काट रहा है, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 21 काट देगा इसको, ऑब्वियसली 21 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, लेकिन हमें हाईएस्ट निकालना है, 42 होगा वो, ठीक है। अब 84 इसको तो काट रहा है लेकिन इसको पूरी तरह नहीं काट रहा। ओके, तो आपका आंसर होगा 42। अब स्टूडेंट सीखते हैं एचसीएफ निकालने का शॉर्टकट। एक हमारे पास दो नंबर्स हैं जैसे यहां पे 63 और 84। ओके, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, आप फैक्टराइजेशन से कर लो, फैक्टर मेथड से। ओके, बहुत टाइम लगेगा, तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, उन नंबर्स का जो डिफरेंस होता है, जैसे 84 है हमारे पास और 63 है, डिफरेंस क्या है, 1 और 2, 21 इन नंबर्स का डिफरेंस है, या तो ये डिफरेंस फैक्टर होगा, ओके, और या फिर जो ये डिफरेंस है इसका कोई फैक्टर इन दो नंबर्स का एचसीएफ होगा। ओके, अब देखो 21 से 61 = 63, जो 63 और 84 है, 21 ही एचसीएफ हो गया इनका, 61 = 61, 84 = 84, बराबर कट रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो 21 एचसीएफ है।
अगर बाई चांस 21 नहीं होता, डिफरेंस जो इन नंबर्स का एचसीएफ नहीं होता, तो इसका कोई फैक्टर होता, जैसे 3 × 7, इनमें से कोई, इन दोनों का कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता। लेकिन 21 से ही ये कट रहे हैं, तो 21 ही हो गया, हाईएस्ट तो निकालना हमें, हाईएस्ट तो 21 है। अगले क्वेश्चन में देखो, अब हमारे पास तीन टर्म है, थ्री नंबर्स हैं, 30, 42 और 135। अब शॉर्टकट इसमें कैसे एप्लीकेबल होगा, तो अब तीनों नंबर लिख लेते हैं हम, 30, 42 और 135। ओके, अब ये देखेंगे कि कौन से दो नंबर्स में जो डिफरेंस है वो कम है। अब 42 और 135 का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा हो गया, ओके 30 का और 135 का भी ज्यादा हो गया, तो इन दोनों नंबर्स को लेंगे जिसमें डिफरेंस कम है। तो 30 और 42 में डिफरेंस कितना है, 12, 12, ओके 12 से कट रहा है। अब देखो 12 से ये नहीं कट रहा, सिर्फ 42 कट रहा है, तो 12 तो नहीं होगा, डिफरेंस फैक्टर नहीं है इन तीनों का। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम फैक्टर कर देंगे, इसके इसके फैक्टर हो गए 3 × 4। अब देखो 4 से इनमें से कोई नहीं कट रहा, तीनों में से, लेकिन 3 से ये तीनों कट रहे हैं, 3 × 2 = 30, 6 × 3 = 42, 45 × 3 = 135। तो जो 3 है इनका वो HCF होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम HCF विद रिमाइंडर्स। ओके सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर निकालना है विद विच वी डिवाइड 37 एंड 58। हम किसी नंबर से, n वो नंबर है, ओके उससे हम 37 और 58 को डिवाइड करते हैं, ओके और हमें रिमाइंडर मिलते हैं 2 और 3, तो वो नंबर कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। अच्छा 37 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2, उस नंबर से जब 37 को डिवाइड करते हैं, और 58 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। ओके इसका मतलब उस नंबर से ये जो 37 - 2 है यानी 35, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा ना, और उस नंबर से जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर है यानी HCF है, उस नंबर से हम 58 - 3 को यानी 55, तो पूरी 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 तरीके से कट जाएगा। ओके तो हमें कहने का मतलब 35 और 55 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। सीधा सीधा पता लग रहा है, 5 ही तो है जो दोनों को, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो आंसर है आपका 5। ओके नेक्स्ट है आपका HCF विद रिमाइंडर्स, जब रिमाइंडर्स सेम हो। ओके जैसे इस केस में है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, एक लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर निकालना है जिससे अगर हम 60 और 98 डिवाइड करें तो हम दोनों केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। ओके 3, तो अगर हम तीन तीन घटा दें इनमें से, 57 बचा और ये 98 में से हम तीन घटा दें, ये कितना बचा, 95। तो जो इनका, ये दोनों नंबर तो इस नंबर से जो लार्जेस्ट नंबर होगा पूरी तरीके से कटेंगे। ओके तो हमें 57 और 95 का HCF निकालना है। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था HCF निकालने के लिए, इन दोनों नंबर्स का कैसे निकालोगे, 95 और 57 का डिफरेंस निकाल लो, कितना बचा, 8, और यहाँ कितना बचा, 8 में से 3 के 38, 38। लेकिन देखो 38 से ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, तो इसका कोई फैक्टर, इस डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा, 19 × 3। अब 19 के लिए चेक करो, 19 × 3 = 57, 19 × 5 = 95, तो 19 HCF कितना हो गया इसका, 19 हो गया। तो 19 ही वो नंबर है, 19, अगर ये नंबर इसको डिवाइड करे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, इसको भी डिवाइड करे तो भी 3 रिमाइंडर बचेगा। ओके तो आंसर आपका 19। अब करते हैं स्टूडेंट्स एलसीएम कवर आपका। एलसीएम होता है लीस कॉमन मल्टीपल, कोई भी आपके नंबर्स हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लो 4, 8 और 12, तो ऐसा कौन सा कम से कम नंबर होगा जिस नंबर को ये तीनों डिवाइड कर सकें। तो 12 ले लो, यहाँ पे 4 तो डिवाइड कर रहा है लेकिन 8 डिवाइड नहीं कर रहा, तो 12 नहीं होगा, ठीक है। 24, 16, 16 8 डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर लेकिन 12 नहीं कर रहा, तो 24।
24 ऐसा नंबर है जिसको 4 भी डिवाइड कर रहा है, 8 भी डिवाइड कर रहा है, 12 भी डिवाइड कर रहा है, और ये कम से कम है, इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसको ये तीनों नंबर्स डिवाइड कर सके। तो 24 क्या होगा? एलसीएम। अच्छा, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका 48, 72 और 140 का आपको एलसीएम निकालना है। तो हम यूज करेंगे हमेशा फैक्टर मेथड इसमें, ओके? इन तीनों को फैक्टर्स करेंगे और उससे हम एलसीएम निकालेंगे। 48 का हम फैक्टर करेंगे, क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, तिया 48। और 72 का 2 दूनी 4 दूनी 8, तिया 24, तिया 72। और 140 का ये होगा 2 दूनी 4 पंजे 20 सत्ते 140। ओके, तो आप देख सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3। इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब एलसीएम में क्या करेंगे, हम हाईएस्ट पावर लेंगे, जितने भी नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर। ये यहां से 2 को देख लो, इसमें 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 तीनों में हाईएस्ट पावर किसमें है? 2 की पावर 4 है, तो हमने ले लिया ये 2 की पावर 4। ओके, 2 तो हमने चलो कवर कर लिया। अब 3 की बारी, 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 वाली, 3 की पावर 2। और 5 की तो 5 एक ही है, 7 एक ही है, तो 5 इंटू 7। ओके, इन दोनों की हाईएस्ट पावर तो एक ही पावर है, 1 और 1। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुना 9 गुना 5 गुना 7, ये कितना हो जाएगा आपका? गुना कर लेना, ये हो जाएगा आपका 5040। तो आपका एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया आपका 5040, आपका आंसर है एलसीएम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय ईच ऑफ 6, 7 एंड 15। 1 से और 1000 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं, ओके, जो 6, 7 और 15 से डिवाइड, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा कि वो नंबर कौन सा है, और उसके जो मल्टीपल होंगे वो इससे डिवाइड, इन तीनों से डिवाइड होंगे। तो 6 और 7 और 15 का आप एलसीएम निकाल लो। 2 तिया 6, 1 इंटू 7, और 3 पंजे 15। तो सबसे पहले एक एक को लिखो, ना लिखो एक बात है। तो 2, सबकी पावर एक एक ही हाईएस्ट है, 3 और गुना 5 गुना 7, 3 दूनी 6 5 30, 210 इसका क्या है? 210 इसका एलसीएम है। ओके, तो 210 के जो मल्टीपल होंगे, यानी 420, ठीक है, और 630, और 210 चौका 840, ये 4 नंबर्स होंगे 1 से लेके 1000 तक, जिनको ये तीनों पूरी तरीके से कट कर रहे हैं, पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपका कितना है आंसर? 4 नंबर्स। देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका एलसीएम विद रिमाइंडर्स। ओके, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें रिमाइंडर सेम हो, ओके, सारे के सारे क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं इसको। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर, छोटे से छोटा नंबर बताइए, ओके, जिसको हम एन मान लेते हैं, विच वेन डिवाइड बाय 24, 32 और 42। जब हम उस एन को डिवाइड करते हैं किससे? 24 से, 32 से और 42 से, हर केस में रिमाइंडर आता है 5। यानी एन डिवाइड बाय 24, रिमाइंडर बचता है 5। या फिर आप एन डिवाइड बाय 32, रिमाइंडर बचता है 5। लास्ट में एन डिवाइड बाय 42, रिमाइंडर बचता है 5। तीनों केस में रिमाइंडर 5 बचता है। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम कोई नंबर निकालेंगे,
कोई नंबर निकालेंगे जिसको ये तीनों डिवाइड कर सकें। ओके तो कौन सा नंबर है? ऑब्वियसली एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे किसका? 24 का, 32 का और 42 का। फैक्टर्स लेके कर लेना, एलसीएम आएगा इसका 672। ओके 672 को ये भी पूरी तरीके से काट रहा है, ये एन आ गया। 32 भी पूरी तरीके से काट रहा है और ये भी पूरी तरीके से काट रहा है, क्योंकि भाई एलसीएम है इसका तो पूरी तरीके से काटेगा, तीनों नंबर्स पूरी तरीके से काटेंगे ना इसको। अब रिमाइंडर 5 बचना चाहिए हर केस में, तो हम क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे, 672 में 5 जोड़ देंगे, कितना आया? 677। अब किसी को इससे डिवाइड कर लो, इससे डिवाइड कर लो, इससे डिवाइड कर लो, रिमाइंडर हमेशा 5 आएगा। ओके तो वो लीस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा है? 672 आपका आंसर है। ओके आंसर आपका। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर? छोटे से छोटा नंबर बताइए जब 8 से, 12 से और 16 से उसे डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर बचता हर केस में। नंबर मान लेते हैं हम n, n को हम अगर इन तीनों से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 3 बचता है, ये कह रहा है वो। और जब हम n को 7 से डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता, ये कह रहा है वो। तो हमें वो लीस्ट पॉसिबल नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले हमें वो नंबर निकालना है जो जिस नंबर को 8, 12 और 16 पूरी तरीके से डिवाइड कर सके। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका? 8, 12, 16 का। 8 छिंग 48, 12 चौक 48, 16 48, 48 इसका एलसीएम आ गया 48। अब देखो ये नंबर 48 एक्स, एक्स मान लो यहाँ पे, अगर हम एक्स को 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4, इट डजेंट मैटर। 48 गुना 1 या फिर 48 गुना 2 या फिर 48 गुना 3, ये तीनों नंबर सबको काटेंगे, क्योंकि 48 को काट रहे हैं तो 48 के मल्टीपल्स को भी काटेंगे। ओके तो वी कैन से कि जो 48x है वो पूरी तरीके से कट रहा है, लेकिन रिमाइंडर आ रहा है 3, तो हम यहाँ पे 3 जोड़ लेंगे। तो इस नंबर को अगर हम इससे, इन तीनों से अलग अलग डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर बचेगा 3। ओके लेकिन अब कह रहा है ये, अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा, यानी 48x+3 को हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो हम x की जगह क्या पुट करें? आप हिसाब नहीं लगा सकते? आप x की जगह आप अगर सपोज 1 पुट करते हो, सपोज x इक्वल टू 1, तो 48 51/7, नहीं रिमाइंडर आ रहा है 7, 49, रिमाइंडर 2 आ रहा है यहाँ पे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। x को आप 2 पुट करो, 48 2 16 का 6 का हासिल, 1 2 4 8 और 1 9+3/7, 6 3 9 नहीं कट रहा है, ये भी इसमें भी रिमाइंडर बच रहा है, ये भी केस नहीं है। ओके अब तुम पुट करो x को 3, x को हम 3 पुट करते हैं, 48 × 3+3/7, देखो पूरी तरीके से कट रहा है, 3 8 24 का 4 का हासिल, 1 3 4 12 2 14+3/7, पूरी तरीके से 147, 7 2 14, 7 1 7, रिमाइंडर बच रहा है 0। तो हाँ 147 आपका ऐसा नंबर है जो 8 से और 12 से और 16 से डिवाइड करने पर 147 रिमाइंडर बच रहा है 3। लेकिन अगर हम 147 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बच रहा है 0। तो आंसर आ गया आपका 147 ही वो क्या है, नंबर है। देखिए सेकंड केस है आपका जब रिमाइंडर्स आपके डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन जो रेस्पेक्टिव डिफरेंस है डिवाइजर और रिमाइंडर्स के बीच वो कॉन्स्टेंट हो। देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ऐसा कौन सा पॉसिबल नंबर है, एन मान लेते हैं अगेन,
जब हम डिवाइड करते हैं 18 से तो रिमाइंडर बचता है 2। जब हम 35 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर बचता है 19। और जब हम 42 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 26। ओके, 18 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 2। 35 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर बचता है 19। और 42 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर बचता है 26। डिवाइजर और रिमाइंडर्स के बीच जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, 16, 16, 16। अगर ये कांस्टेंट है तो वो नंबर निकालने का एक डायरेक्ट ट्रिक है हमारे पास। वो नंबर क्या होगा? वो नंबर होगा एलसीएम ऑफ 1835 और 42, और उसमें से माइनस कर देंगे जो ये कॉमन डिफरेंस है 16, वही इसका आंसर होगा। ओके, ये ट्रिक ध्यान रखना हमेशा। तो एलसीएम कितना होगा 1835 और 42 का? एलसीएम होगा इसका 630। ओके, 16 घटा देंगे, कितना बचा आपका? बचा 614। तो 614 ऐसा नंबर है, अगर 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचेगा 2, 35 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचेगा 19, और 42 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचेगा 26। यही वो नंबर है। ओके, अब आप पूछोगे कि एलसीएम कैसे निकाला? भाई फैक्टराइजेशन से फैक्टर कर लो, जैसे 18 के एलसीएम तो आप निकाल सकते हो, खुद ही निकालो। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, एचसीएफ और एलसीएम निकालना, किसका? फ्रैक्शंस का। यानी आपके पास क्वेश्चन है 3/4, 5/6 और 6/7 का, आपको एचसीएफ निकालना है। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है डायरेक्ट एचसीएफ निकालने के लिए। पहले हम निकालेंगे एचसीएफ किसका? न्यूमरेटर्स का, 3, 5 और 6 का। न्यूमरेटर ये तो है 3, 5 और 6। क्या निकालने के लिए? एचसीएफ निकालने के लिए। और फिर क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे किसका? डिनोमिनेटर्स का, यानी एलसीएम निकालेंगे 4, 6 और 7 का, और वो होगा इस इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए हम एलसीएम से स्टार्टिंग करते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने के लिए हम एचसीएफ से स्टार्टिंग करते हैं ऊपर, न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। ओके, आप निकाल सकते हो ये एचसीएफ इसका कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका होगा 1, 1 इसका एचसीएफ होगा, और एलसीएम इसका कितना होगा? 4, 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा? फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, 1 × 7 कितना हुआ? 2 की पावर 2 × 3 × 7, 2 × 2 = 4, 3 × 12 = 84। तो 1/84 इसका एचसीएफ आ गया, किसका? इस क्वेश्चन का। अगला कंसेप्ट है आपका, हमारे पास कोई भी दो नंबर दे रखे हैं, कोई भी दो नंबर आपका, जैसे नंबर्स मान लो 5 और 7। ओके, तो 5 का और 7 का जो प्रोडक्ट होगा कितना होगा? 35। वो कितना होगा? इसके एचसीएफ के, एचसीएफ ऑफ 5, 7 इंटू इसके एलसीएम के 5, 7 इसके बराबर होगा हमेशा। ओके, आप कैलकुलेशन करके देख लो, एचसीएफ कितना है 5 और 7 का? अगेन 1 होगा। इसका एचसीएफ कितना होगा? 1। और एलसीएम कितना होगा? 35। 35 × 1 कितना हो गया? 35 आ गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। देखो एलसीएम दे रखा है किसी नंबर का 64699, एचसीएफ दे रखा है 97। ओके, और वन ऑफ द नंबर्स दे रखा है आपका 2231। फाइंड द अदर। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दूसरे नंबर को मान लेते हैं एक्स, एक्स इंटू पहला नंबर कौन सा है? 2231 इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है?
64699 और एलसीएम कितना है 97 एक्स इंटू 2231। आप आगे आप कर सकते हो, ये इधर चला जाएगा तो 64699 इंटू 97 डिवाइड बाय 2231। आप डिवाइड कर लो, एक्स की वैल्यू जो भी आएगी कैलकुलेशन करने के बाद आप निकाल सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स अब ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें एचसीएफ ओके और एलसीएम दोनों साथ दे रखे हो और इस बेसिस पर इनकी वैल्यूज के बेसिस पर हमें नंबर्स निकालने होंगे, हमें डिफरेंस निकालना होगा, हमें सम निकालना होगा नंबर्स का। ओके ऐसे क्वेश्चंस कवर करते हैं। देखो कंसेप्ट है आपका, हमने माना कि दो नंबर है हमारे पास, उसका जो एच सी एफ है वो एच है, दो नंबर्स का एच सी एफ एच है। तो वो दोनों नंबर कौन से हो गए, एक नंबर एच एक्स हो गया, एक नंबर एच वाई हो गया। और एक्स और वाई हमेशा को प्राइम रहते हैं। ओके प्राइम क्या होता है, प्राइम होता है ऐसा नंबर, प्राइम नंबर जो खुद से कटे और एक से कटे, बाकी किसी से ना कटे। जैसे तीन आपका प्राइम है, ये तीन से कट सकता है ठीक है, ये एक से कट सकता है, बाकी किसी और नंबर से कट सकता है, या फिर 13 हुआ ऐसी 17 हुआ, तो ये प्राइम हो गया। अगर हमारे पास दो नंबर हैं 13 और 17, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई और नंबर एक के अलावा इनको नहीं काट सकता, कोई कॉमन नंबर नहीं काट सकता, तो ये को प्राइम हो गया, आपस में क्या हो गए, को प्राइम। ओके अब देखो, तो अगर हमारे पास एस सी एफ एच है तो नंबर्स कौन कौन से होंगे, वो एच एक्स और एच वाई, अगर दो नंबर्स का हमारे पास एस सी एफ एच है। ओके जहां पे एक्स और वाई ये को प्राइम होंगे आपस में, मैंने को प्राइम ये समझा दिया है। ओके और हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, एच सी एफ इंटू एल सी एफ। तो ये एक पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तो ये किस कितने के बराबर हो गया, एच इंटू एच एक्स वाई, ये एक एच यहां से ले लिया, एक्स वाई साथ में ले लिया और एक एच यहां चला गया। एच हमने क्या माना था, एच सी एफ, ये तो भाई एच सी एफ हो गया, तो बचा क्या एच एक्स वाई, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये एल सी एम हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, एच सी एफ इंटू एल सी एम। ओके और सम ऑफ नंबर्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों नंबर्स का हम सम कैसे निकालेंगे, एच एक्स प्लस वाई, और डिफरेंस कैसे निकालेंगे, एच एक्स माइनस वाई। ओके जहां पर पहला नंबर एच एक्स है, दूसरा एच वाई है। ओके अब थ्योरी करते हैं, बहुत मजा आने वाला है ऐसे क्वेश्चंस में। आपका क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 11830, दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो इतना है, और एच सी एफ कितना है 13। ओके हमने बताया था कि अगर एच इक्वल टू 13 हो तो जो दो नंबर्स होंगे वो कितना होगा, 13x और 13y। तो हमारे पास दो नंबर्स आ गए 13x और 13y। ओके तो इन नंबर्स का प्रोडक्ट यानी 13x इंटू 13y ये कितना दे रखा है, 11830। ध्यान रखना x और y को प्राइम है आपस में, कोई कॉमन नहीं है इनके बीच। ओके तो x y की वैल्यू कितनी आ गई, 11830 डिवाइड बाय 169, तो ये कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, ये 7 टाइम्स कटेगा, तो 70 टाइम्स कटेगा। ओके ओके तो एक्स वाई आ गया हमारे पास, एक्स वाई आ गया हमारे पास 70। तो एक्स एक्स और वाई को प्राइम है आपस में, तो कितने पेयर बनेंगे, 1 × 70, एक तो ये पेयर बन गया, 2 और 35 का पेयर बन गया, और 14 × 75 या 5 और 14 का पेयर बन गया, और 7 और 10 का पेयर बन गया, 1 2 3 4 ठीक है, तो कितने पेयर्स है, 4 पेयर्स। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दो नंबर दे रखे हैं जिनका रेशियो 9 और 11 है, एच सी एफ दे रखा है 18, एल सी एम निकालना है। देखो नंबर कौन कौन से, एच सी एफ, एच कितना दे रखा है यहाँ पे 18, तो नंबर्स कौन कौन से होंगे, एच एक्स और एच वाई ठीक है।
तो x दे रखा है हमें 9 और y दे रखा है 11। तो नंबर्स कौन कौन से होंगे, 18, 9 और 18, 11, ये नंबर्स हो गए। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम के लिए भी शॉर्ट शॉर्टकट बताया था, एच एक्स वाई कितना 18 और x कितना है 9 और y कितना है 11, ये आपका एलसीएम हो गया। तो आप कर सकते हो, आप गुना करके देख लो, ये आ गया आपका 1782, आपका एलसीएम आ गया आंसर। ठीक है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 9:14, एलसीएम दे रखा है। ओके, नंबर्स निकालने हैं इस बार, रेशियो दे रखा है आपका 9:14 का, एचसीएफ मान लेते हैं आपका एच। तो नंबर्स कौन कौन से हो गए, नंबर्स एक हो गया एच एक्स और एक एच वाई। ठीक है, तो एलसीएम दे रखा है 1008, तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा एच एक्स वाई, ये होगा 1008। एक्स 9 है, वाई 14 है, तो एच नहीं निकाल सकते, 9 रेशियो दे रखा है 1008। ओके, तो 14 नंबर कितना होता है, काट लेते हैं एक्चुअली, एच आ गया आपका 1008, 9 और 14, 9 से कट जाएगा सीधा, ये 9 एकम 9, 1 बचा 9 एकम 9, 9 दुनी 18। ओके, 14 8 112, तो एच कितना आ गया, एच सी एफ आ गया आपका 8, ये आ गया आपका 8। ओके, तो नंबर्स नहीं निकाल सकते, 8 और एक्स है 9, ये कितना हो गया 8 और एक्स कितना है, सॉरी वाई कितना है 14, तो 8 9 72 और 14 8 112। तो नंबर्स कौन कौन से आ गए आपके, 72 और 112, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नंबर्स के रेशियो है 5:7 में दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ वो दे रखा है 12635, 12635। हमें सम ऑफ नंबर्स निकालना है। ओके, तो नंबर्स कितने हैं आपका, एचसीएफ मान लेते हैं आपका एच, तो नंबर्स कितने हो गए 5h और 7h, ठीक है ये नंबर्स हो गए। तो इनका सम कितना होगा, सम होगा h कॉमन ले लेंगे, सम तो 5h और 7h, 7 5 12h, तो 12h इनका सम हो गया। ठीक है, यही निकालना है, सम ही 12h ही निकालना है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ ये कितना दे रखा है 12635, और ये प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। डोंट यू थिंक सो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, हमारे पास ये नंबर है 5h और 7h, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा 5h इंटू 7h। ओके, तो एच स्क्वेयर कितना आ गया 5, ये 12635 डिवाइड बाय 5 7 35। ओके, तो ये कट जाएगा कितनी बार, ये 361 टाइम्स कट जाएगा, देख लेना आप। तो एच कितना आ गया, एच आ गया आपका √361, तो एच आ गया आपका 19, 19 आ गया एच, एच 19 आ गया। तो सम ऑफ नंबर्स कितना हो गया, सम ऑफ नंबर्स हो गया आपका, सम ऑफ नंबर्स ये स्टूडेंट्स हो गया आपका 12h, 12h, तो 12 गुना 19, ये आपका आंसर है। 12 19 2 38 का 8 का हासिल 3, 19 19 और 3 22, 228 आपका आंसर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, सम ऑफ टू नंबर्स इज 255। ओके, एचसीएफ मान लेते हैं हम एच, तो दोनों नंबर कौन से हो गए एच एक्स और एच वाई, सम दे रखा है आपका यानी एच एक्स प्लस एच वाई दे रखा है आपका 255। ओके, और एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा, हमें शॉर्टकट पता है एच एक्स वाई, एलसीएम होगा वो दे रखा है आपका 1080। ओके, तो नंबर्स निकालने हैं हमें, एच एक्स और एच वाई निकालने हैं हमें। हम दोनों नंबर्स को लेते हैं एच एक्स प्लस एच वाई डिवाइड बाय एच एक्स वाई,
ओके okay, यहाँ से h कॉमन ले लो, h x प्लस वाई डिवाइड बाय एच एक्स वाई, ये कट गया। तो ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये 255 के, और ये नीचे वाला किसके था, 1080। ओके तो कट जाएगा ये, किससे कटेगा, पाँच से कटेगा, पाँच पाँच पच्चीस पच्चीस, एक पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी दस, पाँच एकम पाँच, पाँच छः तीस, और ये पाँच और छः, छः एक सात, हाँ तीन से कट जाएगा, 317 और 3 7 21, 3 2 6, 17/72 आ गया। x प्लस वाई एक्स वाई इक्वल टू 17/72। अब भाई आपको लगाना है x और y को प्लस करें तो 17 और मल्टीप्लाई करें तो 72। तो x को मान लो 8, y को मान लो 9, तो 8 और 9 17, 8 इंटू 9 72। तो x आ गया आपका 8, y आ गया आपका 9। अब हमने सबसे पहले निकालना है h, HCF भी तो निकालना है। ये हमें ध्यान से देखो, LCM दे रखा है। अब स्टूडेंट्स हमें LCM दे रखा है आपका, HXY दे रखा है हमें 1080। एक्स और वाई हमने निकाल ही लिए हैं, तो एच एक्स वाई कितना, 8 × 9 72 × 72 इक्वल टू 1080। तो एच कितना आ गया, डिवाइड बाय 72। ठीक है, ये जाएगा 72 से काटेंगे तो 15 बार, कितनी बार, 15 बार। ठीक है, तो एच आ गया आपका 15। ऑल राइट, अब एच आ गया आपका 15, एक्स आपका 8 है, तो एच एक्स कितना हो गया, 15 8, एच वाई कितना आ गया, एच आपका 15, वाई आपका 9, 15 9 135, प्लस करके देख लो 255 ही आएगा इनका जो एडिशन है। ठीक है, तो नंबर्स कौन कौन से आ गए, नंबर्स आ गए आपके 105 और 135 आंसर। सो चलिए स्टूडेंट्स, दैट वाज इट इन दिस चैप्टर। अगली वीडियो में भी हम कुछ ऐसा ही कोई मजेदार टॉपिक लेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, थैंक यू सो मच।